नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बेतिया नरकटियागंज प्रखंड के केहुनिया रोवारी पंचायत के मुखिया पति राजू वर्मा के द्वारा अग्नि पीड़ित परिवार को राशन का वितरण किया गया, जिसमें पीड़िता का कहना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। जब तक आग पर काबू पाते तब तक सभी सामान जलकर राख हो गया और जब मैं अपने सामान को बचाने के लिए गया तो मैं भी आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया, जो मेरा इलाज अभी चल रहा है। हम लोग के पास खाने से लेकर पहनने तक का सारा सामग्री जल गया है। जब इसकी सूचना मुखिया जी को मिली तो उनके द्वारा हम लोगों को मदद की गई और खाने के लिए बहुत सारा सामान भी दिया। केहुनिया रोवारी पंचायत में पहली बार ऐसा मुखिया हुआ है जो गरीबों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि अभी तक प्रशासन और अधिकारी देखने तक भी नहीं आए और ना ही कोई सहायता मिली। मुखिया जी, केहुनिया पंचायत वार्ड नंबर 14 में जो 22 तारीख को आग लगी थी, अभी तक यहाँ पे कोई अधिकारी मतलब नहीं पहुँचे हैं। आपके द्वारा जो है जो भी सामग्री दिया जा रहा है, अधिकारी नहीं पहुँचे, उसके बारे में क्या कहना है आपको? अधिकारी नहीं पहुंचे, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही सूचना मिली कि वार्ड नंबर 14 में आग लगी है, सीओ साहब को, प्रशासन को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। है कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं मिला, यह दुखद बात है। जी, इन लोगों का कहना है जे हमारे यहाँ पहली बार ऐसा मुखिया है कि जो उनका सूचना दिया गया तो आप पहुँच कर जो भी राहत सामग्री है आप वितरण कर रहे हैं। हाँ, राहत सामग्री के साथ इस समय हम पहुँचे हुए हैं। मैं जो भी हमारे मैंने साधन संसाधन थे उसको लेके मैं पहुँचा हूँ और मैं आगे इसके लिए सीओ साहब से, बीडीओ साहब से जहाँ भी बात करना होगा, कहना होगा, कहेंगे और हर हाल में इन लोगों को लाभ दिलवाएंगे। यहाँ देखिए, इनकी भैंस जल गई है और यह आग जो लगा है, यह आग शॉर्ट सर्किट से लगा है, यह बिजली विभाग की नाकामी है और हर जगह कहीं तार लटक रहा है, कहीं पूरा एकदम मतलब कि डेंजरस स्थिति है। और उसके बावजूद भी संज्ञान बिजली विभाग के लोग नहीं ले रहे हैं, यह गलत बात है। जहां भी गड़बड़ी है वहां बिजली विभाग के लोगों को आके तार सही करना चाहिए, इंसुलेटर लगाना चाहिए या जो समस्या है वो पोल बदलने की समस्या हो। शिशुआ में तो एक आदमी के घर से गया है तार, मैंने एकदम सटते हुए, और उसके लिए भी आवेदन उन लोग दिया है, लेकिन बिजली विभाग अभी तक कोई काम, मतलब बिजली विभाग के बिल्कुल लापरवाही है। और बिजली विभाग के लापरवाही का देन है कि भैंस जल गई और ये घर वाले जो है इनका देखिए इनकी क्या हालत है। यह सारी जिम्मेवारी और जवाबदेही बिजली विभाग की बनती है और प्रशासन के द्वारा अगर कोई मदद नहीं मिला है तो यह एकदम गलत बात है। प्रशासन के द्वारा एकदम मदद मिलना चाहिए और सीओ साहब से हमारा एकदम करबद्ध प्रार्थना है अपनी संपूर्ण विनम्रता के साथ, जैसे भी हो अविलंब इनका मदद कराया जाए। ये क्या नाम है मुखिया जी? नाम क्या है? राजू वर्मा, राष्ट्रीय किसान नेता, आम आदमी पार्टी, पश्चिमी चंपारण, बिहार, मुखिया पति, केहुनिया रोवारी पंचायत। अपन नाम बताइए। आज जो पहली बार जो 22 तारीख को आग लगी थी, जो मुखिया जी के द्वारा राहत सामग्री दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है। ऐसा ऐसा कभी मतलब मुखिया ऐसा कभी मतलब किया ना, है? कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा, मतलब कुछ लोग कहना है जो पहली बार जैसे है मुखिया जी को जानकारी कान में गया, मुखिया जी तुरंत मतलब आया वहाँ से। हाँ, सही बात है। हाँ। सरपंच साहब, आज आप बताइए, जो आग लगी थी अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहिए? हमारे मुखिया जी के पास जब सूचना गया कि अपना पूरा वार्ड लोगों के साथ आकर इंक्वायरी की, आप सबों को बुलाए, इसका लाभ कुछ दिया जाए, इनका घर बनना चाहिए। जी, प्रशासन के द्वारा अभी तक मतलब कोई भी सहयोग नहीं किया गया, नहीं कोई प्रशासन आया, कोई सरकारी कर्मी आया, तो किसको दोषी कहेंगे आप? उन लोगों को दोषी, सरकारी कर्मचारी को दोषी कहेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णमोहन मिश्रा, सरपंच पति, पंचायत केहुनिया रोवारी। बेतिया से अविनाश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।